नमस्कार दोस्तों, चर्चा बढ़ते फिल्म अड्डा में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक रिसेंटली रिलीज वेब सीरीज कय्यूम कलवम के बारे में। ये क्राइम ड्रामा फैंटेसी जॉनर वाली वेब सीरीज है जिसके डायरेक्टर है रोजू। तो आज हम रिव्यू करेंगे इस वेब सीरीज को और जानेंगे कैसी है वेब सीरीज, क्या वेब सीरीज आपके लिए देखने लायक है या नहीं। तो बने रहो वीडियो के एंड तक, चलिए शुरू करते हैं। कय्यूम कलवम, ये स्टोरी है एक गैंग की जो छोटी मोटी चोरियां करके अपने गुजारा करता है। अब इस गैंग में कम उम्र से लेके बुजुर्ग तक सब टाइप के मेंबर्स हैं। इसी में एक अनलकी चोर है अम्मू। इस लड़की की लक कभी भी इसकी साथ नहीं देती, यानी ये लड़की इस गैंग के लिए हमेशा एक अनलकी साबित होती है, क्योंकि जब भी ये लोग चोरियां करने जाते हैं तो अब ये लड़की कुछ ना कुछ गलती करती है। इसके गैंग मेंबर इसे पसंद नहीं करते और हर वक्त अमू अपने लक को कोसती रहती है। दूसरी ओर कहानी है एक डॉग ट्रेनर की जो डॉग्स को ट्रेन करता है और वो अपने दुनिया में ही मगन है, पर इसकी भी एक बीमारी है। बीमारी क्या है कि अगर कोई भी बंदा अपनी विश इसके सामने कहता है तो इसके हाथों में इचिंग होना शुरू हो जाती है और इसके हाथों में एक रेड रैशेस दिखाई देने लगते हैं। ये डॉग ट्रेनर उस आदमी के विश को तोड़ के रख देता है, उसका विश पूरा होने ही नहीं देता। ये करने के लिए ये ट्रेनर किसी भी हद तक जा सकता है और इसी से ही इसका वो इचिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सुन के काफी अजीब लग रहा हो कि भाई ऐसी भी कोई बीमारी है, पर हाँ भाई ऐसी भी है। पर सीरीज में जब ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं तब पूरी कहानी ही पलट जाती है। आखिर कौन है ये लोग, क्या इनका मिलना पहले से ही लिखा हुआ है, क्या ये सीरीज पहले से ही लिखी जा चुकी है, आखिर क्या है कहानी इनके मिलन की, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। फिर कहाँ देखनी है तो ये सीरीज सोने लिए ऐप पे अवेलेबल है, आप इसे इजीली सर्च करके देख सकते हैं। तो ये तमिल वेब सीरीज है पर हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप हिंदी में भी इसे देख सकते हैं। वेल, सीरीज की स्क्रिप्ट एंड इसका जो नैरेटिव स्टाइल है वो काफी यूनिक है। मैंने ऐसी सीरीज इससे पहले कभी नहीं देखी। भाई जब क्राइम ड्रामा सीरीज की बात आती हो तो हमारे मन में काफी सारे गूज़बम्स आने लगते हैं कि भाई अब कुछ नया देखने को मिलेगा, पर उसी क्राइम ड्रामा जॉनरा के साथ जब फैंटेसी एक जॉनरा ऐड हो जाती है तब भाई कुछ नया ही हमें देखने को मिलता है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखा हो, और ये वैसे ही वेब सीरीज है। स्क्रीन प्ले टोटली इंटरेस्टिंग है, शुरू से ही आपका इंटरेस्ट बना हुआ रहता है, एक पल के लिए भी आपका इंटरेस्ट ब्रेक नहीं होता। सिनेमेटोग्राफी इज पिक्चरस एंड इसमें जो BGM का यूज किया गया है वो भी जबरदस्त है, डायलॉग्स इम्प्रेसिव है। सीरीज में ह्यूमर क्राइम सस्पेंस को जिस तरीके से दिखाया गया है वो इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। सीरीज की अगर कास्टिंग की बात करें तो इसके लीड रोल में है मदोना सेवेस्तियन, कानू पचनियप्पन एंड सेथिल। अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो तो आई अपोलोजाइज। और सभी कलाकारों की परफॉर्मेंस टॉप नॉच रहती है, सभी ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है एंड कैरेक्टर्स को भी काफी अच्छे से डेवलप किया गया जो देख के मुझे काफी अच्छा लगा। बात करें एडिटिंग की तो एडिटर ने अपना काम बखूबी किया है। ये जो सीजन 1 है इसका, इसमें टोटल 8 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड लगभग 25 से 40 मिनट के बीच में है, तो बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं है। सीरीज में गाना भी है जो ठीक ठाक रहता है एंड हैट्स ऑफ टू द मेकर्स, इन्होंने ऐसी वेब सीरीज को बनाया है क्योंकि ऐसी वेब सीरीज बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलती है। गजब है भाई साहब, जैसे जैसी सीरीज आगे बढ़ती जाती है एंड इसके फाइनल एपिसोड आते जाते आपकी क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आप सीरीज से एकदम जुड़ से जाते हो, ये सीरीज आपके दिलों को छू जाती है। अगर मुझे एक लाइन में कहना पड़े तो मैं इतने कहना चाहूंगा कि एक फैंटास्टिक वेब सीरीज है, आप इसे जरूर देखिए, इसे मिस करने की गलती मत कीजिएगा। बात करें क्लाइमैक्स की तो ये सीजन 1 है, जिस पॉइंट पे ये सीजन 1 को एंड किया गया है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है एंड मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द इसका सीजन 2 आए और मैं इसे देख सकूं। मैं सीरीज को रेट करता हूँ 9.2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैंडा गैलेंस की बात करें तो टोटली फैमिली फ्रेंडली है। इफ यू ऑलरेडी वॉच दिस सीरीज देन टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस इन द कॉमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर गेटिंग मोर कंटेंट।